विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निषाद जी, शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए देश भर के सभी हमारे सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं का नेतृत्व वर्ग और वशिष्ठ बहनों और भाइयों, 3 दिवसीय इस अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम समारोह का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजन होना भारत की उस प्राचीन परंपरा का स्मरण हम सबको एक बार पुनः कराता है जो सदियों पूर्व इसी लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर 88,000 ऋषियों ने मंथन के माध्यम से भारतीय वैदिक परंपरा को विधिबद्ध करने का कार्य किया था और वहीं से इस पर उठे थे कि आनो भद्रा कर्तव्यो यम ईश्वर, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी दिशाओं को खुला रखो। एक बार फिर से इसकी शुरुआत देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में इस अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। मैं इस समारोह में इस पूरे 3 दिवसीय समागम में देशभर से आए हुए आप सभी अतिथियों का, वक्ताओं का, विषय विशेषज्ञों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न करने के बाद आज अमृत काल में प्रवेश कर गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर देशवासियों का आह्वान किया कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया, हम इसमें सहभागी भी बने। लेकिन जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत है, कैसा भारत है? उस भारत के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान होगा? एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतवासी के स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? और ये केवल देश के नेतृत्व वर्ग का कार्य नहीं है, ये राज्यों का कार्य भी है, जनपदों का भी है, गांवों का भी है और व्यक्ति का भी है, शिक्षण संस्थानों का भी कार्य है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति जहां पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, अगर वह अपने उत्तरदायित्व को देखें और उसको सही ढंग से समझ सके,
तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में दुनिया की विपाकत भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से रोक नहीं सकता। आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, अगले 4 वर्ष के अंदर 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए कोई संदेह नहीं। लेकिन उन सभी क्षेत्रों में जिसके लिए आप दुनिया भारत की ओर देख रही है, लीडरशिप बदलने से कैसे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया जा सकता है 2014 के भारत, पूर्व के भारत और 2014 के बाद के भारत का अनुभव आप सब कर सकते हैं। 2014 के पूर्व क्या था? भारत के अंदर सामान्य जन के मन में एक अविश्वास का वातावरण था, असमंजस की स्थिति थी, लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि देश जा कहां रहा है। सीमाएं असुरक्षित थी, जिसकी मर्जी आती थी वो घुसपैठ करता था, किसी भी क्षेत्र में कोई दिशा नहीं थी और दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी, कोई मान्यता नहीं देने को तैयार था। आज एक नेतृत्व के स्वरूप में भारत के अंदर भी जनविश्वास का प्रतीक बनता है, भारत की सीमाओं को भी सुरक्षित करता है और दुनिया के अंदर भारत का गौरव के स्वरूप में पुनर्स्थापित करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की दुनिया के अंदर होने वाली विजिट को अगर आप देखें, उसकी तुलना करें, तो आज आपको देखने को मिलता होगा कि दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की का गौरव बढ़ा है, उसका एक कीमत बढ़ी है, लोगों ने उसको मान्यता देना प्रारंभ किया है। प्रवासी भारतीयों के साथ जब संवाद करते हैं तो वे लोग भी इस बात को मानते हैं कि हां अब हमें सम्मान मिलता है। दुनिया के किसी भी देश में हम जाते हैं या जिन देशों में रह रहे हैं, हमें सम्मान मिलता है। अगर समाज का हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करने लग जाए, क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए उस समय हमें पंचप्रण दिए थे हर देशवासी को। देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने देशवासियों को कहा कि इन 5 बातों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, आप देश के प्रति अपनी सेवाओं को देने में सफल हो पाएंगे। यह चूंकि शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कार्य है, इस समागम है और इस समागम के माध्यम से हम सबको इस बारे में सोचना होगा। कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारत में हुआ करते थे, मुझे तो बताइए ना कि कौन सा ऐसा देश है और दुनिया का कौन सा ऐसा मत, मजहब या संप्रदाय या सेक्ट है जो अपने 5,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व के किसी गौरवशाली इतिहास को आप सबके सामने या दुनिया के सामने रख सकता। आपने अभी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के
प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देश ने और दुनिया ने देखा है। त्रेता युग, आज से हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, भगवान राम त्रेता के अंत में हुए थे, यानी पूरा त्रेता पीछे है। उससे पहले का युग और भी है, और न जाने कितने ऐसे युग बीत चुके हैं, लेकिन हम उस परंपरा के बाहक बने हुए हैं। हमारे पास इतिहास, हमारे ग्रंथों के माध्यम से, हमारी श्रवण परंपरा के माध्यम से, हमारे वैदिक परंपरा के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारी स्मृतियों के माध्यम से, हमारे पुराणों के माध्यम से हमारे पास मौजूद है। हमने उस परंपरा को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कहीं ना कहीं रोक सा दिया, दृष्टिकोण बदला, अपना जो था हमने उस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय उसको हेत से देखा, और जो प्राय था उसको महत्व देना प्रारंभ किया। यह मानसिकता, यह गुलामी की मानसिकता हमारे मन में इस कदर घर कर गई कि हमने महत्व देना ही बंद कर दिया भारतीयता को। तो परिणाम हमारे सामने उसी रूप में आने चाहिए, आने थे। आज एक अवसर है आपके पास फिर से भारत के इस गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए। शिक्षण संस्थानों को अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षण संस्थान ये किसी भी स्तर के हों, आखिर उनकी जिम्मेदारी व्यक्ति निर्माण के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए, उस देश के लिए क्या है? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचने का प्रयास किया? हम केवल डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वितरण करने तक अपने आप को सीमित कर लिए? कोई नयापन, किसी एक विषय को लेकर के कुछ नई चीज हम दे सकें, नया चिंतन दे सकें, नया तरीका दे सकें, नवाचार को हम बढ़ावा दे सकें, शोध और विकास की नई परिपाटी को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में कैसे इसका सरलीकरण करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकें? सरकार कुछ कहती है, ऐसे लगता है सरकार की चीजों को जब तक हम पाठ्यक्रम का हिस्सा ना बना दें तब तक शिक्षण संस्थान उससे वैराग्य ही धारण किए रहते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं। सरकार के कार्यक्रम लोक हित के लिए होते हैं, समाज हित के लिए होते हैं, पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अगर हमारा युवा उसके साथ जुड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी जानकारी नहीं होगी। यही कारण है हम शिक्षित तो बना दे रहे हैं, डिग्री और सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, लेकिन जब वह छात्र किसी उच्च शिक्षण संस्थान से बाहर आता है तो उसके पास नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अब क्या करना है, भटकता है। और उस भटकाव से दूर करने का एक माध्यम है यह मंथन का कार्यक्रम, जो समागम का कार्यक्रम एक मंथन है। हम इस मंथन करें उसके चरित्र के निर्माण के लिए।